सकल पंच फूलमाली समाज के लिम्बोदिया परिवार द्वारा अपने परिजनों की पुण्य स्मृति में एक अनूठा आयोजन किया गया। दो दिवसीय इस आयोजन के तहत भजन संध्या, व्याख्यान और शिक्षण सामग्री वितरण सहित अन्य आयोजन किए गए। कार्यक्रम में समाज के काफी लोगों ने शिरकत की। श्री सकल पंच फूलमाली समाज इंदौर के मांगलिक भवन में आयोजित दूसरे दिन के कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री वितरण और व्याख्या सहित अन्य आयोजन किए गए। कार्यक्रम के तहत मंच पर समाज की महिला वर्ग से जुड़ी हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर श्रीमती अर्चना सचिन वर्मा की उपस्थिति में श्रीमती पंकजा मनोज मौर्य ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विशेष अतिथि के रूप में श्रीमती सुषमा मुकेश भुड़ा, सुश्री प्रतिभा विरांग, श्रीमती ज्योत्सना परमार, श्रीमती सपना मौर्य, श्रीमती मोनिका कुसमाकर, श्रीमती शालिनी रावल, श्रीमती खुशबू बिंजवा और प्रीति दौर सहित अन्य महिलाएं शामिल थी। कार्यक्रम में समाज के तमाम स्कूली विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। यह पूरा आयोजन फूलमाली समाज के संयोजक मनोहर लिम्बोदिया के द्वारा अपने परिजन स्वर्गीय रतनलाल जी लिम्बोदिया, स्वर्गीय श्रीमती पार्वती बाई को नमन करते हुए स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा लिम्बोदिया की पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बच्चों की शिक्षा में पालकों की भूमिका विषय पर बहुत ही सारगंभीर रूप से इंदौर क्लॉथ मार्केट कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती प्रिया अशोक चौहान ने सारगंभीर शब्दों में अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि किस तरह से पालक अपने बच्चों की शिक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमती अर्चना सचिन वर्मा ने भी अपने उद्बोधन में महिलाओं एवं बच्चों को संबोधित करते हुए अनेक महत्वपूर्ण बातें कही। जब मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने कहा था कि मुझे एक इस विषय पर अपने विचार रखने हैं, क्योंकि मैं शिक्षा जगत सही मायने में ये शिक्षा का संपूर्ण मीनिंग नहीं है। शिक्षा बहुत एक वास्तव टर्मिनोलॉजी है, बहुत विस्तृत उसका दायरा है, उसको हम इतने छोटे से पैमाने पर उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। शिक्षा का मतलब है, एजुकेशन का मतलब है टू एक्वायर नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करना। ज्ञान किताबी ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता है। ज्ञान का मतलब